स्टेबल में क्या है? फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज। गुड मॉर्निंग बेटा। परसेंटेज फ्रैक्शन इधर क्या है? 1/5। इधर डेसिमल कितना है? 0.9। और इधर परसेंटेज कितना है? 63। अब आपको बेटा कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? ए 1/5 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 1 अंदर लिखोगे, 5 बाहर लिखोगे। भाई 5 की टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। तो क्या लगा दोगे? 0 पॉइंट लगा दोगे और एक 0 इधर लगा दो। 5 2 10। क्या आंसर आया? 0.2। अच्छा बेटा, 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे, और 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 20। 20% कितना आएगा? 0.9 को फ्रैक्शन में करोगे तो क्या आएगा? पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया? 9/10। 0.9 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? इनटू 100 करते हैं तो कितना आता है बेटा? ये पॉइंट है और इसके बाद एक डिजिट है, लेकिन 0 2 है, तो एक 0 हम इधर अपने मन से लगा देंगे। अब तो पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट है और 0 भी 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 90%। अब ये 63 है, परसेंट परसेंट हटाया तो क्या करेंगे? नीचे 100 लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 0.63। तो इधर डेसिमल में क्या आया? 0.63। अब बेटा इसी को हमें फ्रैक्शन में करना, तो क्या 63 और 100 किसी से कटता है? किसी सेम नंबर की टेबल में आता है? नहीं आता है। तो आंसर क्या हो गया? 63/100। हो गया बेटा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फिफ्टीन परसेंट ऑफ 300। क्या हो जाएगा? 15/100 into 300। डबल जीरो से डबल जीरो गया। 15 3 का कितना होता है? 45। क्या आंसर आया? अरे बोल दो, 45। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। थर्टी थ्री परसेंट ऑफ 500। 33/100 into 500।
डबल जीरो से डबल जीरो गया, वन हंड्रेड सिक्सटी फाइव आ गया। कितना आ गया? 165। हाँ, सिक्स्थ वाला क्या है? बेटा ऑफ, ऑफ जहां लिखा रहता है ना, ऑफ ऑफ जहां लिखा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। 40 के साथ ऑफ लिखा है, हाँ जहां लिखा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, और एच जिसके साथ होता है उसको ऊपर लिखते हैं। एच 8 के साथ है, और परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, इनटू 100। जीरो से जीरो, फोर बन जा, फोर टू जा, क्या आंसर आ गया? 20%। वो बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, सेवेंथ वाला। अच्छा, नंबर निकालना है तो लेट नंबर इक्वल टू एक्स। अब बेटा 15% ऑफ नंबर, नंबर का 15% कितना है? 135। कितना है? 135। 15/100 इंटू, हर्ष ए, हर्ष हर्ष हमने तुमको इसलिए एडमिन बनाया कि तुम मतलब यस, अगर ऐसी आवाज कर रहा है तो उसको म्यूट कर सकते हो ना बेटा। हाँ ए बेटा एक्स इधर रहेगा, ए 100 डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ए 15 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 15 बन जा, 15 9 जा, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 900 कितनी आएगी? तो नंबर कितना आ गया? 900। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ देखिए, मुकेश को 48 मार्क्स मिले आउट ऑफ 80, तो परसेंटेज कितना है? 8 वाला परसेंटेज ऑफ मार्क्स मुकेश गेट, कितना उसको कितने मार्क्स मिले? 48 मिले, कितने में बेटा? टोटल नीचे लिखते हैं ना, 80 इंटू 100, जीरो से जीरो, 8 बन जा, 8 सिक्स जा, कितने परसेंट मार्क्स मिले मुकेश को? 60% मार्क्स। अगला नाइन्थ, नाइन्थ क्वेश्चन श्रेयांश, नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो।
नाइन्थ वाला, इंक्रीज इन, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बुक, बुक की प्राइस में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ? 10% ऑफ 250, 10/100 इंटू 250, 0000, 25 रुपीज बढ़ा। अच्छा न्यू प्राइस क्या आएगा? ओरिजिनल प्लस, ओरिजिनल में कितना ऐड कर दें? इंक्रीज प्राइस ऐड कर दें। ओरिजिनल कितना है? 250 तो न्यू प्राइस कितना आ गया? 275। टेंथ वाला टेंथ वाले में लिखा है ड्राइवर्स की मंथली इनकम 5000 है और वो 4000 खर्च कर देता है, तो कितना परसेंट वो खर्च करता है इनकम का? परसेंट ऑफ मनी स्पेंड कितना खर्च करता है बेटा? वो 4000 है, कितना उसके पास आता? कितना इंटू 100 डबल जीरो से डबल जीरो, नहीं ट्रिपल जीरो से ट्रिपल जीरो, 4/5 × 100 बचा, 5 बन जा 520, 80% वो पैसा क्या कर देता है? खर्च कर देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग 80 इज सोल्ड फॉर 100। देखिए बेटा, लेवल क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर ऑफ 11th लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 100 और सीपी कितना है? 80। प्रॉफिट कितना आया? 20। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वो बोल रहा है सीपी निकालो। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट, और एसपी कितना है? 5500 और प्रॉफिट कितना है? 1500। क्या आया सीपी? 4000। अच्छा अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एसपी निकालो, और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। सीपी कितना है? 500 और लॉस कितना हुआ?
60, तो क्या आया आंसर 440। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग इतना और सोल्ड फॉर इतना। देखिए बेटा 14 वाले में कॉस्ट प्राइस है 1500, सेलिंग प्राइस है आपकी 1200, लॉस कितना हुआ, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस ही तो होगा, खरीद रहा ज्यादा में बेच रहा कम में तो लॉस नहीं होगा। 1500 माइनस 1200 बचेगा 300, लॉस परसेंट इक्वल टू होगा लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, लॉस कितना है 300 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 इनटू 100, 3 बन जा 3 5 जा 5 बन जा 520 जा, तो कितने परसेंट का लॉस हुआ उसको इस ट्रांजैक्शन में 20% का। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है 500, रेट कितना है 6, टाइम कितना है 1 ईयर, डबल से डबल गया क्या बचा 5 6 30, कितना इंटरेस्ट लगा 30 रुपए इंटरेस्ट लगा। हाँ 16th वाला देखें, इसमें भी इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है 6000, रेट कितना है 10, टाइम कितना है 4, ये आ गया 2400। ठीक है ना, 2400 रुपीज।